हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल हाउसवाइफ कॉर्नर में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ कुट्टू के आटे की बिल्कुल नई रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले 4 आलू लिए हैं छोटे साइज़ के, और ये उबले हुए आलू हैं बॉईल किए हुए। इनको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। इसके बाद हम लोग ये कढ़ाई लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे घी। हमारा घी गर्म हो गया, इसमें हमने डाला है हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और ये हमने थोड़े से काली मिर्च डाली है, और ये हमने जो बॉईल किए हुए आलू मैश करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे, और इसको हम एक दो मिनट अच्छे से इसको चला करके मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम लोग इसे इस तरीके से चलाते हुए आलूओं को अच्छे से भून लेंगे। इसी तरीके से हम लोग इसे चलाते रहेंगे। ये हमारे आलू बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इन्हें अलग प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, ये हमने सारे आलू अलग प्लेट में निकाल लिए। अब हमने एक बाउल लिया है, बाउल में हम डालेंगे कुट्टू का आटा। 4 चम्मच के करीब कुट्टू का आटा लेंगे हम लोग। अब हमने डाली इसमें काली मिर्च और सेंधा नमक, व्रत का नमक डाला है हमने। नमक और काली मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छे से बैटर तैयार कर लेंगे। देखिए, इसे अच्छे से चलाएंगे जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर तैयार नहीं करना है हमें। ये देखिए, इस तरीके का बैटर हमें तैयार करना है। अब हमने ये तवा लिया है, तवे को हमने गर्म कर लिया है। इसके बाद हमने तवे पे लगाया थोड़ा सा घी या ऑयल लगाएंगे, और जो बैटर हमने तैयार किया था चमचे की हेल्प से हम इसे चारों तरफ इस तरीके से फैलाते हुए डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम बैटर को डालेंगे इस तरीके से चारों तरफ फैलाते हुए। चीले की तरह हम तैयार कर लेंगे इसको, जिस तरीके से चीला बनाते हैं। और हम इसे धीरे धीरे हटा करके किनारे पर से हम इसे धीरे धीरे इस तरीके से हटाएंगे, और इसको पलट करके हम दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। चारों तरफ हम घी लगाएंगे और दोनों साइड से हम अच्छे से सेक लेंगे। करारा होने तक सेकेंगे हम लोग इसको, अच्छे से हमें करारा करना है। ये देखिए, दोनों साइड से हमारा चीला सेक गया है। अब हमने जो आलू भून के रखे थे वो हम इस पे लगाएंगे, और इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। फोल्ड कर देंगे हम लोग इसे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रेसिपी बनके बिल्कुल तैयार है। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हम हरे धनिया की चटनी और दही के साथ में खाएंगे। बहुत टेस्टी लगता है खाने में।
तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब।